नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पर आप जो भी जानकारियां मेरी देख रहे हैं, मेरे को जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, मैं तुरंत आपको उसके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप भी उस चीज़ को, उस न्यूज़ से अपडेट हो सकें। तो आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा, इसके लिए आप मेरे जो यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो का है उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं उस पर आपको नए नए अपडेट्स देता रहूं। आप जिस तरीके से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मतलब आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। तो आपका प्यार मेरे को इसी तरह मिलता रहे, ताकि मैं भी आगे से आगे आपके लिए नए से नई चीज़ों को या नए से नई न्यूज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो दोस्तों, मेरे जो यूट्यूब का चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें नॉलेज इन्फो के, और आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के मेरे को भेजें, ताकि मैं आपको आगे से नया अपडेट दे सकूँ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सहारा इंडिया परिवार के सिलसिले में। फ्रेंड्स, सहारा इंडिया परिवार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्टमेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। सहारा इंडिया परिवार एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज इस कंपनी से जुड़े हैं, यानी सहारा इंडिया परिवार ग्रुप से। सहारा इंडिया परिवार में के मुखिया जो हैं मिस्टर सुब्रत रॉय जी सहारा है, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने सेबी के अकाउंट में 22,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी डिपॉजिट करा रखे, यानी कि जमा करा रखे निवेशकों को देने के लिए। और हम आपको बताना चाहेंगे, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी संस्था है जो कि गवर्नमेंट की है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंडिया के जो फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, फाइनेंशियली कंपनीज के लेखा जोखा होता है, वो सेबी के द्वारा होता है। अब सहारा इंडिया परिवार और सेबी के बीच में मतभेद चल रहा है, ये आप सभी लोग फ्रेंड्स जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सहारा इंडिया परिवार ने सुनने में आया था कि सहारा इंडिया परिवार ने अपने पैसे, जो निवेशकों का पैसा है, वो क्यू शॉप में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्यू शॉप का जो जितने पेपर थे वो सेबी को भिजवाए गए, जिसको सेबी ने मानने से इनकार कर दिया, और सेबी ने इसको इनकार कर दिया और मानने नहीं किया। सहारा इंडिया परिवार के मिस्टर मुखिया है मिस्टर सुब्रत राय सहारा जी, उनका कहना यह है कि हमने सहारा इंडिया परिवार में सेबी के द्वारा जो है हमने 22,000 करोड़ रुपए जो है सबमिट करा रखे, उसमें निवेशकों को जो इन्होंने दिया है 107 करोड़ रुपए ही अब तक भुगतान कर चुके हैं। जो बाकी का पैसा है, इन्होंने कहा है कि हमें पहले ही भुगतान कर दिया है, और ये दोहरा मामला है, यानी कि सेबी को हमने भी पैसा दे रखा है और निवेशकों को भी पैसा दे रखा है। जबकि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के का मानना ये है कि अभी जो है बहुत सारे निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया है, और बहुत उन्होंने सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एडवर्टाइजमेंट भी दिया था कि जिन जिन लोगों का सहारा इंडिया परिवार में पैसा बॉन्ड्स के द्वारा या जिसके द्वारा भी एग्जिट है, यानी कि पहले से पैसा मतलब उन्होंने जमा कर रखा है, तो वो अपने बॉन्ड्स लेकर के आएँ, ओरिजिनल बॉन्ड्स लेकर के आएँ सहारा इंडिया परिवार के, फिर उसके बाद हम उनको जो है आगे उसका प्रोसेस क्लेम का करवाते हैं। तो 107 करोड़ रुपए ही सेबी दे पाया है अब तक, और बाकी का पैसा जो है अभी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है, पास है सहारा इंडिया परिवार का। अब सहारा इंडिया परिवार के जो निवेशक हैं मिस्टर सुब्रत राय सहारा जी, उनका कहना ये है कि जो हम उन्होंने निवेशकों को पैसा दे रखा है, उसके अलावा जो पैसा है उसको वापस किया जाए, जिससे कि वो अपने बिजनेस में लगा सके और नए जॉब्स भी लोगों को, हिंदुस्तानियों को प्रोवाइड कर सके। अब इसी मामले में जो है सहारा इंडिया परिवार और सेबी दोनों के बीच में जो है मतभेद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बात ने आदेश अभी तक फाइनली नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अभी जो है ये केस अभी भी रनिंग पे है, और एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा निवेशकों के हक में आएगा, क्योंकि जो निवेशक है, अब निवेशकों का जो है पैसा जो है जो लगा हुआ है सहारा इंडिया परिवार में, अब उन लोगों का जो है बहुत सारे निवेशक जो है मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा वापस हो सके।
अब कुछ लोगों को नहीं पता चल पाया कि सेबी ने जो है उन लोगों को सेबी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी बहुत सारे निवेशकों को, तो उनको नहीं पता चल पाया कि सारण्य परिवार का पैसा सेबी के द्वारा मिल रहा है। तो सेबी और सारण्य परिवार का जो पैसा है वो पैसा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अब निवेशक वापस आ रहा है कि ये सारण्य परिवार का से जो हमारे बॉन्ड्स का जो पैसा है जो मैच्योरिटी के साथ, यानी कि प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो उनको जो है मिल सके, इसलिए वजह से जो है अभी भी सारण्य परिवार के अभी भी दफ्तर हर राज्य भारत के हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे खुले हुए हैं और अभी भी रनिंग में बहुत अच्छे प्रोसेस पे चल रहे हैं और निवेशक उन ऑफिस में जाकर के अभी भी बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और सारण्य परिवार के बहुत सारे एजेंट्स हैं, यानी कि जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे थे या वर्क कर रहे हैं सारण्य परिवार में, तो अभी भी उनका जो है प्रक्रिया प्रोसेस में है। तो हम फ्रेंड्स आपको सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि हमारी पूरी जो है वर्किंग जो है सारण्य परिवार पे लगी हुई है, जो भी निवेशकों का पैसा है, जो भी निवेशकों का इन्वेस्टमेंट हुआ है उनका जो है पैसा वापस हो सके, जो भी उनका पैसा लगा हुआ है। तो इस पूरी जानकारी में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सारण्य परिवार और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जिसे बोलते हैं, उन लोगों का जो पैसा जो इन लोगों के बीच में जो लीगली अभी चल रही है फाइट चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पूरा प्रोसेस अगर हम बात करें तो कंप्लीट हो सके और जिससे कि निवेशकों के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए वो निवेशकों के लिए आए, निवेशकों के बिहाफ पे आए, क्योंकि निवेशकों के क्योंकि सारा जो कोई भी कंपनी का ग्रुप बनता है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है तो उसके इन्वेस्टर्स की वजह से ही होता है, क्योंकि जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसी की वजह से उस कंपनी का पोर्टफोलियो आगे तक जाता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप उम्मीद रखें और सारण्य परिवार एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है और वो अपने निवेशकों को कभी भी निराश नहीं होने देगा फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें सुब्रत राय सहारा जी की, तो ये बहुत ही बड़े ब्रिलियंट बिजनेसमैन हैं और ये अपने बिजनेस को बहुत उभारना अच्छी प्रकार से जानते हैं, यानी कि बहुत ही अगर टैलेंटेड की बात करें तो टैलेंट इनके पास बहुत ही ज़्यादा है, उन्होंने हर सेक्टर्स में जो है अपनी आगे कार्यकुशलता दिखाई है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आपको टेलीविज़न मीडिया हो, चाहे आपका ये कंस्ट्रक्शन मीडिया हो, कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपका हर प्रकार के मीडिया में इन्होंने सपोर्ट किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं उसको, आप पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं चीज़ों को, तो इससे मुझको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है ताकि मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हो मैं उसको आपके सामने ज़रूर से ज़रूर प्रस्तुत करूँ। तो जनरली मैं ये देखता हूँ कि मेरे को जैसे भी कोई भी नई चीज़ मालूम होती है मैं आपके सामने रूबरू होता हूँ, तो हर बार कोई ना कोई एक नई चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ YouTube चैनल पे नॉलेज इन्फो के। धन्यवाद।